तो गाइस आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लॉयल एसएमबी और वहाँ जाने के बाद मुझे बनना है सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर और ये करने के लिए मुझे चाहिए इलाइट्रा, वो भी बिना ड्रैगन को मारे हुए। तो गाइस तुम लोग सोच रहे हो बिना ड्रैगन को मारे मैं इलाइट्रा कैसे ला सकता हूँ, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। ओके तो अभी इस एसएमबी में सबसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए मुझे चाहिए एक तगड़ा सा आर्मर, तो चलो सबसे पहले आर्मर ही बना लेता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई बंदों ने स्पॉन ट्रैप बना रखे हैं हट्स लेने के लिए, तो अभी मुझे इस एसएमबी में थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ आर्मर वार्मर तो है नहीं, कोई भी मार के चला जाएगा। तो चलो अभी सबसे पहले थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। नहीं 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 कहाँ से आ गए भाई, मजा भाई नहीं, अभी मुझे नहीं मरना यार, अभी तो आया हूँ एसएमपी में। हाँ ऐसा है ना, मेरा थोड़ा सा हंगर बार खाली था इसलिए मैं मर गया, वैसे कहाँ मार पाती भाई स्पाइडर मुझे। ओके चलो हर्ट दोबारा से मिल गया, और अभी नहीं भाई फिर से पीछे पड़ गए। निकल लो यहाँ से, अब थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। हंगर बार दोबारा से खाली हो गया था क्या? ओके चलो दोबारा से हट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे सामने भाई एक विलेज भी दिख रहा है, अभी जल्दी से विलेज में चलता हूँ, वहाँ से थोड़ी सी लूट वगैरह मिल जाएगी। अभी यहाँ से थोड़ा सा कॉबल स्टोन तोड़ लेता हूँ जिससे कॉबल स्टोन के टूल्स बना लूंगा। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक आयरन का आर्मर जो मुझे थोड़ा सा सेफ रखेगा, तो चलो जल्दी से थोड़ी सी आयरन की माइनिंग हो जाए। ओके फाइनली पूरा आयरन का आर्मर बना लिया, और अब नेक्स्ट एम है डायमंड का आर्मर बनाने का, तो अभी जल्दी से कोई मस्त केव ढूंढ लेता हूँ डायमंड की माइनिंग करने के लिए। ओके गाइस यहीं से मुझे काफी सारे डायमंड्स दिखाई दे रहे हैं इस केव में, तो चलो जल्दी से इसी केव में चलते हैं डायमंड्स लेने के लिए। तो गाइस अभी मैंने डायमंड का लगभग पूरा आर्मर बना लिया, बस मुझे लेगिंस के लिए थोड़े से डायमंड चाहिए और डायमंड के टूल्स के लिए चाहिए, तो चलो जल्दी से उसकी भी माइनिंग कर लेता हूँ। चलो यहाँ से एक डायमंड मिल गया, इसको ले लेता हूँ, और अभी थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देखता हूँ थोड़े से और डायमंड मिल जाए। ओके गाइस मुझे सामने भी काफी सारे डायमंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो चलो जल्दी से वो भी माइन कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर लिया, और अभी जल्दी से थोड़े से टूल्स बनाने वो भी बना लेता हूँ। बाहर जाने का रास्ता किधर था? आई थिंक इधर था। ओ भाई क्रीपर नहीं बट ओ नहीं 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 भाई शिट भाई यहीं तो नहीं मरना था। तो अभी मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ वहीं दोबारा पहुंचने का सामान डिस्पॉन होने से पहले। चलो अभी जल्दी दोबारा से सामान लेके आता हूँ। ओके गाइस मैं दोबारा से आ गया हूँ केव में, और मुझे यहाँ पे सारा सामान भी मिल गया, बट रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। लिटरली अभी जस्ट मैं देख रहा था कितना रिकॉर्ड हो गया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं थी, लेकिन अभी मुझे लगभग सारा सामान मिल गया, और जो सामान नहीं मिला या फिर तो वो ज़ॉम्बी ने ले लिया या फिर लावा में जल गया। के ये एक्स लेके बैठा है भाई, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। चलो ये भी मिल गया। तो गाइस अभी मुझे जितने भी डायमंड के टूल्स और आर्मर बनाने तो भाई मैंने बना लिए, और अब टाइम है थोड़ा सा ऊपर जाने का क्योंकि इस केव में मैं माइनिंग करते करते बोर हो गया। ओके चलो मैं स्पॉन पे दोबारा से आ गया, और यहाँ पे एक लावा पूल है तो मैं इससे एक नेदर पोर्टल बना सकता हूँ। और एक काम करता हूँ, मुझ पर काफी सारा सामान हो गया तो एक चेस्ट लगा देता हूँ इस लावा पूल के अंदर, और उसके अंदर रख देता हूँ सारा वैल्यूएबल सामान, और अब जल्दी से बना लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा नेदर पोर्टल। चलो अभी चलता हूँ नेदर के अंदर, और ये क्या टट्टी स्पॉन दे दे भाई, स्पॉन तो मेरा बहुत ज्यादा खराब है, बट साइड में एक नेदर फोर्ट्रेस है वो अपने काम आ सकता है। चलो अभी जल्दी से सबसे पहले थोड़ा सा नेदर को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, नेदर फोर्ट्रेस या फिर बेशन कुछ मुझे मिल जाए। तो गाइस अभी मुझे साइड में बेशन दिख रहा है, तो चलो जल्दी से बेशन के अंदर चलते हैं। ओके बेशन में तो आ गए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी बंदे आ रखे हैं, मतलब सारी लूट लेके ही गए होंगे वो बंदे, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। तो गाइस अभी मैं एक फोर्ट्रेस के अंदर आ गया हूँ, थोड़ी सी ब्लेजेस को मार रहा हूँ ब्लेज रॉड्स के लिए, और अभी जस्ट मैंने रियलाइज किया कि मेरे हर्ट्स 9 हो गए भाई। सच में मुझे पता भी नहीं चला था कि कैसे मेरे हर्ट्स 9 हो गए, बट यार पता नहीं एसएमपी ने ऐसे मेरा एक हर्ट काट दिया। ओके चलो ये भी आ गया, इसको मार देता हूँ। ओके इसको भी मार देता हूँ भाई, इसने एक ही बारी में हेड ड्रॉप कर दिया। I'm so lucky guys. Okay guys, मुझे सामने एक और बेशन दिखाई दे रहा है, और अभी जस्ट मैंने अपना गेम रिस्टार्ट किया तो मुझे पता चला मेरे 10 के 10 हर्ट्स एकदम सही हो गए हैं, वो जस्ट एक छोटा सा ग्लिच हो गया था इसलिए मेरे 9 हर्ट्स दिखा रहा था। ओके यहाँ पे काफी सारा सामान तो रखा है बट उतना वैल्यूएबल नहीं है, शायद कोई पहले से लूट करके जा चुका है यहाँ से। तो गाइस अभी मैं आके अपने नेदर पोर्टल पे दोबारा, और हाँ ये सर्वर मैंने एक दो दिन बाद खोला, तो देखो भाई काफी सारे बंदों ने अलग अलग नेदर पोर्टल्स भी बना लिया। तो एक काम करता हूँ इस वाले नेदर पोर्टल के अंदर चलता हूँ, देखता हूँ किसका ये। ओके ये तो एक विलेज में निकला है, मैं इस विलेज में पहले भी आ चुका हूँ। गाइस यहाँ पे मुझे किसी का अल्ट्रा मैक्स प्रो सीक्रेट बेस मिल गया जो कोई ढूंढ नहीं सकता, बट मैंने ढूंढ लिया, तो एक बार अंदर जाके देखता हूँ क्या है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि किसी बंदे ने इतना सीक्रेट बनाया है बेस जो किसी को नहीं दिखाई देता, तो उसके अंदर जाना चाहिएगा। चलो एक बार चल के तो देख ही लेता हूँ मैं क्या चोरी करके आऊंगा कुछ। प्लीज डोंट गो देयर। ओ भाई बंदे ने मना कर रखा है, अब कैसे जाऊँ अंदर। ओके भाई जिसका भी ये बेस है भाई यहाँ पे काफी सारा सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे विलेजर्स भी हैं भाई, सही लूट मिल जाएगी मुझे यहाँ से। तो एक काम करता हूँ जितने भी मुझे अच्छे टूल्स या फिर आर्मर वगैरह मिलते हैं वो लेके चलता हूँ। ओ भाई बंदे ने तो काफी सारा सामान कलेक्ट करके रखा हुआ है। ओके यहाँ पे अभी मुझे मिल गए काफी सारे इंजेंटेड टूल्स, तो एक काम करता हूँ जो जो अच्छे अच्छे टूल्स हैं वो ले लेता हूँ। फ्लैश बैक। चलो एक बार चल के तो देख ही लेता हूँ मैं क्या चोरी करके आऊंगा कुछ। गेम बीट।
तो गाइस अभी मैंने पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया, डायमंड के टूल्स बना लिए, तो अब अगला एम क्या है? अगला एम है नेदरराइट का आर्मर बनाने का। तो चलो जल्दी से चलते हैं नेदरराइट की माइनिंग पे। तो गाइस मुझे इलेक्ट्रा कलेक्ट करने जाना था और उसके लिए मैंने सबसे पहले नेदरराइट का आर्मर तो कंप्लीट कर लिया, बट अभी मुझे कुछ और भी सामान चाहिए जो मेरी हेल्प करेगा वहां तक जाने के लिए। तो एक काम करता हूँ, एक छोटा सा बेस बना लेता हूँ विलेजर्स के साथ, यहाँ पे विलेजर्स भी हो जो मेरी हेल्प कर दे वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसी विलेज को एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता यहीं पे विलेज निकलना है, तो पास में एक बेस बना लूंगा मैं। ओके, मुझे एक विलेजर का तो पता है कि यहाँ पे एक विलेजर है, ये गया, किसी ने बंद कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं ले लूंगा इसको। और अभी आसपास ढूंढ लेता हूँ, शायद मुझे एक और विलेजर मिल जाए। एक सेकंड, मुझे यहाँ से विलेजर का साउंड इफेक्ट आया, इधर है भाई, इस घर में तो नहीं, आई थिंक शायद गलत आ गई। एक सेकंड दोबारा से आई। ओके, आई थिंक इसी घर में किसी ने विलेजर छुपा रखा है, किधर है भाई विलेजर, इसके नीचे तो नहीं दफना दिया किसी। ओके भाई, यहाँ पे किसी बंदे ने विलेजर छुपा रखा है। एक सेकंड, इसको बंद कर देता हूँ, सबसे पहले एक छोटा सा बेस बना लेता हूँ उनके लिए। भाई देख रहे हो इस असेंबली में क्या क्या हो रहा है, विलेजर को दफना दिया भाई। तो अभी मैं एक छोटा सा बेस बना लेता हूँ उनको रखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ। हटाते जाओ। एक सेकंड, कॉपी ज्वाइन द गेम। ओ भाई, कॉपी भाई भी खेलेंगे इस एसएमपी में। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा इनको भी अपनी टीम में लेने की। तो जैसे ये मेरी टीम में आ जाएंगे ना, तो मेरी भी टीम अच्छी हो जाएगी, वरना पूरी एसएमपी में मैं ही अकेला हूँ जो किसी भी टीम में नहीं हूँ। तो चलो इनको तो बाद में ज्वाइन करवाऊंगा, सबसे पहले अपना बेस को कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस मैंने नीचे वाला एरिया क्लियर कर दिया, अभी जल्दी से सबसे पहले अपना पहला विलेजर लेके चलता हूँ अपने बेस में। तो ये तो आ गया अपना पहला विलेजर, और अब टाइम है सेकंड विलेजर का। ओके गाइस, मैं दोनों विलेजर्स को लेके आ गया अपने बेस के अंदर। अब जस्ट इनकी थोड़ी सी ब्रीडिंग कराने है, जिससे काफी सारे विलेजर्स हो जाए यहाँ पे। तो अभी अपने बेस के आसपास थोड़ी सी बुशेस लगा देता हूँ, जिससे किसी को भी पता ना चले भाई यहाँ पे भी कोई बेस है। तो अब यहाँ पे लगा देता हूँ वो बैट्स जो मैं लेके आया था, और अब इनको थोड़ा सा खाना भी दे देता हूँ जिससे ब्रीडिंग कर लें। और जैसे ये ब्रीडिंग कर लेंगे तो यहाँ काफी सारे और भी विलेजर्स आ जाएंगे। तो गाइस मैंने इन दोनों को खाना तो दे दिया, अब जस्ट वेट कर रहा हूँ कभी ब्रीडिंग करें और यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स आ जाएं, जिससे मैं अच्छी अच्छी ट्रेड्स कर सकूं। तो चलो अभी थोड़ी देर वेट ही कर लेता हूँ जब तक यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स नहीं आ जाते। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे पहला विलेजर आ गया, अब जस्ट कुछ और विलेजर्स को आना है। तो चलो उनके लिए भी एएफके हो जाता हूँ यहाँ पे। भाई अपने बीच में इतनी देर से एएफके हूँ, और बार बार कॉपी भाई सर्वर के अंदर एंटर कर रहे हैं, फिर लीव मार रहे हैं, फिर एंटर कर रहे हैं, फिर लीव मार रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। लॉल, वेट। तो गाइस अभी तुम लोग मेरे हर्ट्स देखो, 6 हर्ट्स है मेरे पास। तो तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये 6 हर्ट्स कैसे हो गए, तो गाइस उसकी एक अलग स्टोरी, और वो स्टोरी तुम लोगों को अगली वीडियो में पता चलेगी। और हाँ, अभी मेरे पास काफी सारा सामान भी आ रखा है, तुम लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ मुझे क्या क्या मिल गया है। तो ये अपना नॉर्मल बेस है, और यहाँ पे देखो शेल्टर के अंदर भाई इतने सारे नेदरराइट के ब्लॉक्स, डायमंड के ब्लॉक्स, ऑब्सीडियन, और भाई क्या क्या सामान रखा है हमारे पास, और 2 स्टैक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स भी है। भाई अगली वीडियो में तुम लोगों के साथ मैं सब क्लियर कर दूंगा कि मेरे पास इतना सारा सामान कहाँ से है। और हाँ, इस चेस्ट के बारे में बताना तो भूल ही गया भाई, ये पूरी चेस्ट टोटम से भरी है। भाई अगली वीडियो तो बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है, बट उससे पहले जो मेरा आज का टारगेट था उसको मैं नहीं भूल सकता, मुझे इलाइट्रा लेके आना है। तो गाइस मेरे साथ काफी कुछ हुआ है, बट मैं अभी इलाइट्रा के बारे में बिल्कुल नहीं भूला हूं, क्योंकि अपना मेन गोल तो इलाइट्रा को कलेक्ट करना है अभी। तो चलो जल्दी से इलाइट्रा को कलेक्ट करने चलते हैं। और हां, उसको कलेक्ट करने के लिए जितना भी सामान चाहिए था, जैसे स्लाइम और आई ऑफ एंडर, वो सब मैं लेके आ गया हूं। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं स्ट्रांगहोल्ड के अंदर। और हाँ गाइस, अभी तक तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक भी मुझे एसएमपी मेंबर क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैं ये जितने भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सारे एसएमपी के बंदों से छुप छुप के कर रहा हूँ, वरना अगर मेरी अचीवमेंट्स उन बंदों को दिख जाती ना, तो वो पक्का मुझे बैन करवा देते। इसलिए मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग छुप छुप के करी है, जैसे कोई आ जाता है ना तो मैं लीव कर देता हूँ सर्वर को। और हाँ गाइस, मैं एक बात बोल रहा था कि अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके गाइस, तो अभी मैं स्ट्रांगहोल्ड जा रहा था और सामने मुझे एक ओशियन मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है। भाई इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा, क्या पता कभी आगे काम आ जाए। ओ भाई, एक और ओशियन मॉन्यूमेंट मुझे मिल गया। भाई साहब कितने ओशियन मॉन्यूमेंट है इस जगह पे। और एक बार आई ऑफ एंडर पे ट्राई मार लेता हूँ। और एक सेकंड, मुझे लग रहा है इस ओशियन मॉन्यूमेंट के नीचे ही है स्ट्रांगहोल्ड, बिकॉज अभी इसी के आसपास घुमा रहा है ये मुझे। चलो जल्दी से नीचे माइन कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मुझे मिल गया स्ट्रांगहोल्ड, और अभी जल्दी से ढूंढ लेता हूँ पोर्टल रूम। गाइस इतनी देर से पोर्टल रूम ढूंढ रहा था बट मिला ही नहीं पोर्टल रूम, लेकिन अभी चलो जल्दी से पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। नहीं, मैं यही तो सोच रहा था, जस्ट एक आई ऑफ एंडर कम हो गई, तो अभी हमको एक आई ऑफ एंडर लेके आनी पड़ेगी। चलो यहाँ पे बना देता हूँ नेदर पोर्टल, और नेदर के अंदर से ले आता हूँ सारा सामान। एक तो गाइस मेरे 6 हर्ट्स हैं, कोई भी मार के जा सकता है, तो मुझे बहुत ज्यादा सेफली खेलना पड़ रहा है अभी। चलो ब्लेज रॉड मिल गई, अब जल्दी से चलता हूँ स्ट्रांगहोल्ड पे। यहाँ पे लगा देता हूँ आई ऑफ एंडर, और अब चलते हैं एंड वर्ल्ड के अंदर। और एक सेकंड भाई, यहाँ पे इतने सारे ऑब्सीडियन कैसे लग रखे हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी कोई आ चुका है क्या, या फिर शायद माइनक्राफ्ट वालों ने लगा दिया। कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं भाई। तो बस मैं फाइनली एंड वर्ल्ड में तो आ गया। अब जस्ट मुझे एक काम करना है, सबसे पहले ऑब्सीडियन स्टोन है और उससे बनानी है एंडर चेस्ट। और एंडर चेस्ट के अंदर मैंने वो सारा सामान रखा है जिससे मैं उन वाले आइलैंड्स पे जा सकता हूँ जहाँ पे एनसीटीज मिलती हैं। तो चलो जल्दी से थोड़े से ऑब्सीडियन स्टोन लेता हूँ। और अब सबसे पहले ब्लेस पाउडर यहाँ रखता हूँ और इससे बना लेता हूँ आई ऑफ एंडर, और उससे बना लेता हूँ दो एंडर चेस्ट। और दो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिल्क टच की पिकैक्स नहीं है। और ये देखो, यहाँ पे मैंने दो पिस्टन रखे हैं और कुछ ऑब्जर्वर और रेडस्टोन रखे हैं, और बस मुझे इतना ही सामान चाहिए भाई एंड सिटीज तक पहुंचने के लिए। अब जल्दी से इसको तोड़ लेता हूँ। ओ भाई, ड्रैगन आ रहा है यहाँ पे। नहीं भाई, नहीं 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 भाई, अभी तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा कि मैं क्राफ्टिंग टेबल के टूटने पर तो दुखी क्यों हो रहा हूँ, बट मेरे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं और ड्रैगन ने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ दी। मतलब अभी मैं कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकता। बट अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक एंडर चेस्ट है और उसी एक एंडर चेस्ट के अंदर मुझे सारा सामान वो फिट करना पड़ेगा जितना भी मुझे एन सिटीज से मिलेगा। भाई ड्रैगन ने पूरा गेम बिगाड़ दिया, बट अभी भी मेरे पास कुछ चांसेस हैं। तो एक काम करता हूँ, जितना भी मेरे पास है उससे बना लेता हूँ एक फ्लाइंग मशीन। तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है और उसके ऊपर लगाना है स्लैम ब्लॉक, और यहाँ पे एक ऑब्सीडियन, फिर तीन ब्लॉक लगाने हैं, इन दो को तोड़ देता हूँ, और इसके बीच में लगा देता हूँ एक नॉर्मल पिस्टन और इसके पीछे का ब्लॉक तोड़ देता हूँ, और उसके बाद स्लैम के ऊपर लगा देता हूँ रेडस्टोन, और अब यहाँ पे लगा देता हूँ एक स्टिकी पिस्टन। और भाई ये फ्लाइंग मशीन बन गई जस्ट इतनी, पांच ब्लॉक्स की फ्लाइंग मशीन थी और ये सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट फ्लाइंग मशीन है, तो इसके टूटने के भी कुछ चांसेस होंगे शायद। तो जैसे ही ये मैं ऑब्सीडियन तोड़ूंगा ये चलने लग जाएगी फ्लाइंग मशीन। तो जल्दी से तोड़ देता हूँ इसको, और गाइस फाइनली ये एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो गाइस अभी देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं एन सिटीज के पास। गाइस तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी मैं कहीं भी नहीं हूँ, मतलब मेरे आसपास कोई भी चीज नहीं है, और अगर यहाँ पे मैं गिर गया मेरा सारा सामान चला जाएगा, तो होपफुली ये मशीन ब्रेक ना हो। फाइनली भाई मुझे आइलैंड्स दिखने लग गए, थैंक गॉड अभी तक मशीन नहीं टूटी है। तो चलो अभी जल्दी से पहुंच जाता हूँ आइलैंड्स पे। ओके, सक्सेसफुली आइलैंड्स पे पहुंच के और यहाँ से कूद जाता हूँ, और फाइनली गाइस बिना मरे पहुंच के भाई मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि ये इतनी छोटी सी मशीन है और खराब नहीं हुई। ओके चलो अब एंड वर्ल्ड में तो आ गया, अब जल्दी से ढूंढ लेता हूँ एन सिटीज को। तो गाइस फाइनली मुझे मिल गई एक एन सिटी, तो चलो जल्दी से चल के इसको लूटते हैं। बस यहाँ पे सबसे पहले मार देता हूँ शेल्टर्स को जिससे शेल मिल जाए हमें थोड़े से। तो गाइस फाइनली एन सिटी के टॉप पे आ गया हूं और यहां से कर लेता हूं जल्दी से लूट, और यहां पे काफी सारा अच्छा सामान है, बट एंडशिप नहीं है यहां पे, तो अभी मुझे एक और एन सिटी ढूंढनी पड़ेगी। गाइस मुझे फाइनली एक और एन सिटी मिल गई जिसमें बस एंडशिप ही काम किया और कुछ काम करनी है, तो चलो जल्दी से उसके अंदर भी चलता हूं। अब यहां पे फेंक देता हूँ एंडर पल। ओके फाइनली आ गया मैं, और अब मार देता हूँ शेल्कर को, और भाई फाइनली मुझे इलाइट्रा मिल गया। गाइस सही बता रहा हूँ मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, पहली बार मैंने बिना ड्रैगन को मारे इलाइट्रा लिया है। और हाँ बाय द वे, तुम लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं बिना ड्रैगन को मारे ओवरवर्ल्ड में कैसे जाऊंगा, तो मेरा जितना भी इंपॉर्टेंट सामान है उसको रख दूंगा मैं एंडर चेस्ट में, और वर्ल्ड में जंप लगा दूंगा मैं, जिससे मेरा एक हार्ट तो कम होगा लेकिन मेरे पास इलाइट्रा आ जाएगा, तो यही मेरा प्लान है। तो चलो जल्दी से यही करते हैं। तो गाइस अभी मैं सोच रहा था एंड वर्ल्ड में तो आ ही गया हूं मैं, तो क्यों ना एक और इलाइट्रा लेके चलूं जिसको मैं किसी को एज अ गिफ्ट दे दूं और वो मेरी टीम में आ जाए। तो चलो जल्दी से एक और इलाइट्रा ढूंढ लेता हूं। ओके फाइनली मुझे एक और एनसीटी मिल गई, बट भाई इस पूरे लॉयल एसएमपी में बस छोटी छोटी एनसीटीज हैं क्या, एक भी ढंग की एनसीटी नहीं मिली। जल्दी से यहाँ से सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मार देता हूँ शेल्कर को, और फाइनली मुझ पे हो चुके हैं दो दो इलाइट्रस और काफी सारी लूट। तो गाइस फाइनली मेरे पास जितना भी सामान था वो मैंने एंडर चेस्ट में रख दिया, और जितना भी काम का सामान नहीं है उसको मैंने जला दिया, और अब टाइम है मरने का, तो चलो जल्दी से मर जाते हैं। जस्ट मुझे कूदना है इससे और खत्म। फाइनली गाइस मैं दोबारा से स्पॉन हो गया हूं और मेरे पास पांच ही हर्ट्स हैं, तो हर्ट्स की तो हम जुगाड़ कर ही लेंगे। तो अभी जल्दी से चलता हूं अपने बेस पर और एंडर चेस्ट को खोल के देखता हूं उसके अंदर सामान आ गया होगा। गाइस अभी तो असली मजा आने वाला, मैं इतना ट्रोल करूंगा ना इस एसएमपी के बंदों को। भाई एसएमपी में आते पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं लाइटनिंग से आज तक नहीं मरा था। ओके यहाँ पे चलो हट भी मिल गया, वरना तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता अगर हट नहीं मिलता। तो अभी जल्दी से चल के देखता हूँ अपनी एंडर चेस्ट को। तो गाइस यहाँ पे वो सारा सामान है जो मैंने एंडर चेस्ट के अंदर रखा था, और भाई साहब फाइनली मुझ पे इलाइट्रा आ गया है। बट अभी तुम लोग सोच रहे हो भाई तेरे पास पांच ही हर्ट्स हैं, तो क्या कर सकता है तू इस एसएमपी में। तो गाइस जो मैं करने वाला हूँ ना वो तुम लोगों को अगली वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि वो प्लान बहुत ज्यादा एपिक है। तो गाइस अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो अब चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।